अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है नॉनवेज कबाब का। और जैसे कि हम सबको पता है कि सोयाबीन इज फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, और इससे बने हुए कबाब बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सोयाबीन के कबाब। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू। वेज कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सोयाबीन का यूज़ किया है। अब इन सोयाबीन चंक्स को हम लोग 5-10 मिनट्स के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, सोया चंक्स फूल कर कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं। अब इन्हें हम अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि इसका एक स्मेल होता है वो निकल जाए। और अब अपने हाथों से इसको अच्छे से प्रेस करके इसका पूरा पानी निकाल लेंगे और एक दूसरे बोल में रखते जाएंगे। अब एक मिक्सचर जार में मैं इन सोया चंक्स को डाल दूंगी और साथ में डालेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती के स्टेम्स का यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। फिर इसमें अदरक, लहसुन और प्याज डालकर अब इसको पल्सेस में चलाकर मैं दरदरा पीसूंगी। पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें मैं एक बॉइल्ड पोटैटो जो कि ग्रेट किया हुआ है वो डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, इससे कबाब की अच्छी बाइंडिंग होती है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 2 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon ऑफ ज़ीरा पाउडर। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला और आमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एक बारीक कटा हुआ प्याज, हैंडफुल ऑफ धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, बेसन 2 tablespoon और 1/2 lime। इसमें आप जो भी मसाले हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करके ऐसे कबाब बनाएं। मैं यहाँ एक नॉनस्टिक पैन ले रही हूँ, थोड़ा गर्म होने पे मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, फिर इसमें मैं कबाब रख देती हूँ फ्राई होने के लिए। ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, अदरवाइज फ्लिप करने में बहुत मुश्किल होगा। जब एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो कुछ ऐसा ब्राउन दिखेगा। अब इसको पलट कर दूसरी तरफ से फ्राई होने देंगे। लीजिए, कबाब बनकर तैयार है। वेजिटेरियंस एंड वीगन्स के लिए ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।